तो आज हम ये सवाल उठा रहे हैं ताल ठोक के कि क्या विपक्ष के आंसू सूख गए हैं? क्या उनको देश के सैनिकों की शहादत दिखाई नहीं देती, या फिर नोटों का एटीएम दिखता है या वोटों का एटीएम दिखता है? शहीद के घर पे ना नोट मिलेंगे ना वोट मिलेंगे, इसलिए वहां कोई जाना नहीं चाहता। हमारे साथ मीम अफजल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे हैं, जो नसीरुद्दीनपुर गांव में है, शशांक सिंह जहां के रहने वाले थे, जो कल शहीद हो गए। हम उनसे बात करें उसके पहले आपको इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने संसद के अंदर ही दिया था और नेता विपक्ष रहते हुए दिया था। जरा उस बयान को सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में, हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि संवाद हमेशा रहना चाहिए। मीम अफजल साहब, आपको लगता है संवाद बचा हुआ है? पत्थर बंद हो गए कश्मीर में, लोग ताली बजा रहे हैं, इन संसद में चलने लगे तो फिर फायदा क्या हुआ वहां बंद होने? देखिए, संवाद तो हमेशा रहता है, उसकी शक्लें बदल जाती हैं। आपने अटल जी की एक तकरीर दिखा के मुझे बहुत पुराना तमाम बातें मेरे जहन में आ गई। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 साल अटल जी के साथ राज्यसभा का मेंबर रहा हूं और कई कमेटियों में उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। तो वो जैसे नेता थे, वो हालांकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे और उनके दरमियान में पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन ऐसे नेता जिनका आपने अभी जिक्र किया, बहुत कम लोग ऐसे हैं और ऐसी मिसालें सभी पार्टियों में मिलती हैं ऐसे नेताओं की। आज भी कुछ अच्छे नेता पार्टियों के अंदर हैं और वो संवाद चाहते भी हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि तालीद हमेशा दोनों हाथ से बचती है। मुझे संबित जी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, आपने खुद ही कह दिया कि आज जो विपक्ष कर रहा है, कल बीजेपी खुद ऐसे ही करती थी। आज इतना फ़र्क ज़रूर है कि इतना बड़ा वाकया जब से हो रहा है, हमारी पार्टी ने तो अभी तक किसी से इस्तीफ़ा नहीं मांगा। ये तो तीसरे दिन ही इस्तीफ़ा मांगने लगते थे और बाकायदा फिर इस्तीफ़ा लेके भी छोड़ते थे, वो काम भी करते थे। हमारे कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया अगर हमने महसूस किया कि भाई अपोजिशन ने एक सवाल उठाया है और इसके अंदर एक तरह से ये केस बन सकता है, इसको फिलहाल हमको चाहिए कि इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, तो हमने इस्तीफे लिए भी हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। अब वही बात है कि फिर हम सियासी झगड़े की तरफ जाएंगे, इसलिए उस पर आगे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ फ़र्क समझा रहा हूँ कि जब पावर की एथिक अलग होती है और अपोजिशन की एथिक अलग होती है। आपने पार्लियामेंट का अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है, इसका सबसे पहले टीवी पर जिक्र मैंने किया था कि आज पूरा देश दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। एक प्राइवेट मेंबर ने, पाकिस्तानी बैठे हुए, तो एक चैनल पर उनके साथ मैंने कहा कि आज पाकिस्तान कोई समझ लेना चाहिए कि हमारे एक प्राइवेट पार्लियामेंट के मेंबर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया जिसमें पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए उन्होंने एक बिल लाने की बात कही है। इसको मैंने ही सबसे पहले टीवी पर कहा था, शायद उस टीवी चैनल को भी नहीं पता था जिस पर मैं बैठा था, उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल की कोई हकीकत नहीं होती, इस पर डिस्कशन महीनों नहीं, कभी कभी सालों भी चलता है, कई कई साल लग जाते हैं। मैंने ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल देखे हैं, चूँकि फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर डिस्कस होता है और जिस टाइम ये इसका टाइम है वो भी बता दूँ आपको, 2 बजे के बाद होता है ये, तो उस वक्त तक पता लगता है फ्राइडे है। ज़्यादातर MPs चले जाते हैं घर को, कोई सुनता भी नहीं है, 4, 5, 6, 10 आदमी बैठे होते हैं, वो सुन लेते हैं, वो अपनी कहानी सुन लेते हैं और वही तकरीरें कर लेते हैं। सरकार को चाहिए था
कि और सरकार के पास एक ऑप्शन होता है, हमेशा सरकार आखिर में ये करती है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है, जैसा कि ये बिल इम्पोर्टेंट है, तो सरकार कहती है कि आप ये इसको विड्रॉ कर लीजिए, हम सरकार की तरफ से ये बिल ला रहे हैं। अभी तक मौजूदा सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, ठीक है, और अपोजिशन तो उसका साथ देगी देगी, ना देने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने जो इशू उठाया है बात सही है, लेकिन इसके अंदर पूरा जो एक टेक्निकल चीजें हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मेरा सिर्फ कहना यह है कि हम लोग आज देखिए दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं, शहादत अपनी जगह पर है, उसके ऊपर कोई भी अगर कमी हो कितना भी आप क्रिटिसिज्म करें उसको कबूल करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसको जोड़ रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के ऊपर तो हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा, और आप इसके लिए अगर ये सोचे कि डिमोनेटाइजेशन पर जो रहता है, मैंने इसको जोड़ा रामकृष्ण गेवाल की सुसाइड से, जिसको इस देश के कई नेताओं ने शहीद की संज्ञा देने की कोशिश की है, जानते हुए कि आत्महत्या अपराध की श्रेणी में रखा गया है, शहीद की संज्ञा देने की कोशिश की, मुआवजे का ऐलान किया 1 करोड़ के, राहुल गांधी जी भी उनके घर पे गए, लेकिन इन सैनिकों के घर जाने की सुध किसी ने नहीं ली सर, अभी तक किसी के मन में यह नहीं आया कि चलिए घर नहीं जा रहे तो पार्लियामेंट में खड़े होके सरकार को ही आईना दिखा देते कि इनकी शहादत के लिए 2 मिनट का मौन तो रख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन पर हम 2 मिनट के बाद लड़ लेंगे। संबित पात्रा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, देश की संसद, और वहां से जो मैसेज जाना चाहिए दुनिया को और पाकिस्तान को और अपनी फौज को भी, वो नहीं जा रहा है। क्या ये विपक्ष का फेलियर है, सरकार का? मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं इस विषय पर विस्तार से रखता हूँ। पहले तो मैं मीम साहब, मैं इज्जत भी बड़ा करता हूँ मगर मुझे करेक्ट भी उनको करना चाहिए। मीम साहब ने अभी कहा कि एक ऐसा वक्त था जब हम उनसे इस्तीफा मांगते थे और वो खुशी खुशी इस्तीफा दे देते थे, और आजकल तो कोई इस्तीफा भी नहीं देता और वो मांगते भी नहीं है। मैं इस पर कहना चाहता था, इस्तीफा कारणों के लिए मांगा जाता था, जिस प्रकार का के स्कैम्स हुए आपके समय में वो आप भी जानते हैं, और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है तभी आप इस्तीफा नहीं मांगते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा मांगना नहीं चाहते हैं। इसलिए इन दोनों का आप पार्थक्यता जो डिफरेंस है इसको प्लीज़ आप समझिए, और ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये देश बर्बाद हुआ है। जिस प्रकार के रकम के स्कैम्स हुए हैं वो देश बर्बाद हुआ है, गरीब बर्बाद हुआ है। और अभी ठीक कह रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, वो जो पैसे देश से बाहर गए करप्शन के कारण या देश के अंदर ही ब्लैक मनी बन गए, उसके कारण हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाई। आप देखिए राफेल विमान अब आ रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा, हमारे जत्थे नहीं है। आप लेफ्टिनेंट, मैं नहीं चाहता अच्छी बहस चल रही है, आपने 15 मिनट बोला सर, और मैंने 2 बार बोला, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। सर आप इंटरव्यू दे दीजिएगा रोहित जी को बाद में, मैंने आपको 15 मिनट सुना, बिल्कुल धैर्य से सुना। चलिए चलिए, मैंने आपके बीच में बोलिए बोलिए बड़े सॉरी बोलिए। अब देखिए, राफेल विमान नहीं था, इतने वर्षों तक हिंदुस्तान के पास विमान नहीं था खरीदने के लिए, क्यों नहीं था? नेताओं के जेब में जाने के लिए पैसे थे मगर देश के लिए लड़ने के लिए विमान नहीं था। किस व्यक्ति ने खरीदा? हमारे एक प्रधानमंत्री ने मन बनाया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए, ये हर कुछ को इक्वल एक तराजू में बराबर करने की, ठीक है मैं मीम साहब का इज्जत करता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी को लाकर एक पैसे दो ही साल में आ गए क्या? मैं व्यक्तिगत रूप से मीम साहब का इज्जत कर सकता हूं। देख सर, देखिए प्लीज, इस तरह नहीं, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला, आप बहुत अनुभवी हैं, बीच में नहीं। तो एक व्यक्ति कोशिश कर रहा, क्या डीमोनेटाइजेशन किस लिए है? क्या हम पैसा कमाने के लिए डीमोनेटाइज कर रहे हैं? ये एक टेरर फंडिंग, जिस टेररिस्ट ने मारा है शशांक को, जिस आतंकवादी के कारण शहादत हो रही है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और पूरी सरकार अगर लगी है, कोई हम पैसे मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोगों को तकलीफ हो रही है, हम तैयार हैं कि किस प्रकार उसकी भलाई करें, मगर देखिए सुनने तो को तैयार नहीं है विपक्ष। इस प्रकार की लड़ाई हो रही है, और आप मतलब देखिए, मैं भी कॉमन मैन हूँ रोहित जी, आप भी, गौरव जी भी एक कॉमन मैन है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, एक पैसा लूट लिया क्या देश का? ये डीमोनेटाइजेशन करके हम देश को लूट रहे हैं या आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें भी जिस प्रकार की तूतू मैमे पार्लियामेंट में हो रही है, वो सीन अगर कोई बाहर के देश के लोग देख लेंगे तो उनको लगेगा नहीं कि ये सब पढ़े लिखे लोग यहाँ तो देख ही रहे हैं सर, और इस प्रकार का व्यवहार कर वो तो देख ही रहे, सारी दुनिया देख रही है, लाइव टेलीकास्ट होता है उसका, भले बीच बीच में प्लेट आ जाता है, थोड़ी देर के लिए स्थगित है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है और वो हंगामा भी दिखता है। अब गौरव भाटिया आ गए हमारे साथ, गौरव भाटिया जाम में फंस गए थे बताया गया मुझे, गौरव भाटिया थोड़ी देर से जुड़ रहे हैं, आप बहुत समय बचा भी नहीं हमारे पास, फिर भी गौरव भाटिया आप तो चलिए जाम में फंस गए, माफी है आपको, आपके अफसर कौन से जाम में फंस गए सर जो उसके घर तक नहीं पहुंच पाए शहीद के सुबह से?
कल शाम से खबर आई, एक अधिकारी चला जाता सर, जो उस परिवार को कम से कम ये भरोसा देता कि मैं आया हूँ अखिलेश यादव की तरफ से, मैं पहुंचा हूँ आपके पास, हम लोग हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात रख लूँ। रोहित जी, मैं सबसे पहले संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ परिवारजनों को, जिनके घर के बेटे जो है शहीद हुए हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि हमारी सरकार की तरफ से अफसर नहीं गए, तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि जो भी सहयोग उनके परिवारों को चाहिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम लोग ने हर तरह का उनके साथ खड़े रहने का, दुख की घड़ी में आर्थिक सहयोग, नौकरी देना, उनके दुख में साथ होना। और अफसर छोड़िए, मुख्यमंत्री जी खुद जो है कितने शहीदों के घर में गए हैं, और यहाँ पे भी इन लोगों का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, इन्होंने अपनी जान देश के लिए दी है, इससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ खड़ी रहेगी, पूरा सहयोग मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो आज का आपका विषय है, खड़ी होगी सर, उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ग्राउंड पर कोई नहीं है सर, ग्राउंड पर कोई नहीं है सर, हाँ जी, ग्राउंड पर कोई नहीं है। अगर टीवी पर ही सरकार साथ में खड़ी होती है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मान सकता हूँ कि आप साथ हैं। अभी ये कल ही हुआ है, तो आप चौथे या तेरहवीं का इंतजार करेंगे क्या? जब तब जाएंगे, किसी को भेजेंगे? आपसे देता हूं, आप नहीं, आप जब आपने मुझसे प्रतिक्रिया मांगी, मैंने किसी और पार्टी की बात नहीं करी, केंद्र सरकार की बात नहीं करी, हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात जिम्मेदारी से करते हैं कि हमारी सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा परिवार को, और आप खुद देखेंगे सर, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला। मेरे साथ शशांक सिंह के भाई मौजूद हैं उस गांव से सर, वो आपकी बात सुन रहे हैं। बीच में मत टोकिए रोहित जी, गौरव जी, शशांक सिंह के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, रोहित जी बहुत, वो आपकी बात सुन रहे हैं सर, और आपकी बात सुनने के बाद वो ये कहना चाहते हैं कि कोई मदद नहीं मिली उनको। आप चाहते हैं तो मैं सुनवा देता हूं उनकी बात आपको, विशाल क्या कह रहे हैं वो सुनवा दीजिए इनको। मैं विशाल, मैं मतलब क्या है, देखिए अभी डीएम एसएसपी यहाँ से मिलकर एसएसपी यहाँ से मिलकर क्या कहके गए, कुछ बोला है आपके लिए, कुछ बोला है हमारे भाई के लिए? हाँ, अगर हमारी बॉर्डर से सेना हट जाए, जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, जो हमारे चाचा पिता जो भी भाई बंधु शहीद हो रहे हैं, अगर बॉर्डर से हट जाए तो डीएम एसपी मतलब क्या हो जाएंगे? जिस तरह रोड पे चलने वाले रंडी का भड़वा जी, आप सब हम आप सब कहे थे गलत शब्द का इस्तेमाल, हालांकि हम मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनकी तकलीफ है इस समय। गौरव भाटिया, आपने उनका गुस्सा देख लिया, आप महसूस कर पा रहे हैं उस चीज को, और आप कह रहे हैं कि हम तो साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं सर, ये लोग देखते हैं टीवी पे क्यों नहीं, देश की संसद में क्या हो रहा है बताइए, तब मानते हैं वो कैसे साथ खड़े हैं सर। काले धन के लिए ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं सर, अपने फौजी के लिए ह्यूमन चेन नहीं बनाता कोई। रोहित जी, एक आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने कहा क्या आप उनका दर्द समझ पा रहे हैं, मैं कहूंगा यहाँ इस पैनल पे कोई है या सरकार में भी कोई है, और हर नागरिक उनका दर्द समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पाएंगे? उन्होंने अपने घर का सदस्य खोया है और देश की रक्षा के लिए खोया है, तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं और हम बांटेंगे भी, यही मैंने आपको विश्वास दिलाया। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इसको आपने अभी संज्ञान में लाया है, इस पे जो भी कार्रवाई उचित होगी हम लोग करेंगे, ये मैं आपके चैनल पे भरोसा दे रहा हूं। आज के विषय पे दो बातें मैं कहना चाहता हूं, बीच में मत टोकिएगा क्योंकि ऑडियो लेवल बहुत पुअर है, किसी तरह से आपकी बात बस सुन पा रहा हूं। आज का विषय आपने कहा कि क्यों पार्लियामेंट में ऐसा है कि जो विरोधी दल है वो चर्चा नहीं करना चाहते, तो मेरा ये मानना है कि देखिए उरी की घटना, हमारे 18 जवान शहीद हुए, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, और कहीं ना कहीं कमी उसमें भी केंद्र सरकार की थी, लेकिन आप राजनीतिक दल जो है उनकी जिम्मेदारी देखिए, हमने उसको राजनीतिक विषय नहीं बनाया, बल्कि हमने कहा कि उन जवानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन जवानों में से मदद करी सबकी, और जो हम कर सकते थे हमने किया। दूसरी बात, संबित अभी कह रहे थे कि राफेल नहीं आए और ये इससे पिछली सरकारों का दोष है, एक जब फाइटर विमान आता है तो उसकी सेवा 30 से 35 साल ली जाती है, 2004 तक भाजपा की सरकार थी, तो क्या क्यों नहीं, समय पे क्यों कमी आई, उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की भी नहीं है? बिल्कुल है, और इसीलिए ये जो दोष प्रत्यादोष का सिलसिला भाजपा ने चला रखा है ये उचित नहीं है। डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए, और तीन शहीद जो जवान
हमारे जो जवान शहीद हुए हैं इनकी मौत पे शोक भी होना चाहिए, और इनका भी मुद्दा अगर कोई कमी है तो सभी राजनीतिक दलों को सामने आके उन कमियों को दूर करना चाहिए, जिससे कि भी किसी की भी मौत ना हो, किसी भी जवान की जान ना जाए, ये बहुत जरूरी है। और ये नहीं होता है संसद में, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन पे भी भाजपा का आप रुख देखिए, अनाउंसमेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जब विपक्ष के सारे लोग सुझाव देते हैं उन सुझाव की अनदेखी कर दी जाती है, और आप प्रधानमंत्री से हम कहते हैं कि वो हमारी बात सुन के उस पे बोले तो उसको भी नकार दिया जाता है, ये उचित नहीं है एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए। मैं संबित पात्रा आपसे कमेंट देना चाहता था, लेकिन मैं एक लास्ट कमेंट पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब से लेना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड शंकर प्रसाद साहब दिलाना चाहूंगा। मैं संबित थोड़ा सा रुक के शंकर प्रसाद साहब ने पहले भी कहा कि मैंने 20 मिनट में उनसे कमेंट लिया, मैंने इसलिए 20 मिनट में उनसे कमेंट लिया था ताकि वो पहले सुन ले इस देश के पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, वो सुन ले इस देश की राजनीतिक पार्टियों की सोच क्या है, इसलिए मैंने उनको आपकी सारी बातें सुनवाई, जानबूझ के सुनवाई। शंकर प्रसाद साहब, संसद की गतिविधि जो हो रही है, कार्रवाई जो हो रही है वो भी आप देख रहे हैं, टीवी डिबेट्स जो हो रही है वो भी आप देख रहे हैं, आपको लगता है हालात बदलने की कोई उम्मीद है आपको? देखिए, हालात तो बदलने पड़ेंगे ही, चाहे पॉलिटिकल पार्टी सहयोग दें या न दें। देखिए, इस समय की जो सरकार है वो इस संकट को समझ रही है, मेरी इनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे अवश्य दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनसे हम उम्मीद रखते हैं। हालांकि पिछले 25 साल में फौज को जिस तरह से ट्रीटमेंट मिला है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, खुशी तो तब होती अगर आज पार्लियामेंट में ये सब खड़े होकर कहते जितना काला धन इकट्ठा हुआ है ये फौज की मॉडर्नाइजेशन पे इस्तेमाल होगा, इसमें से कम 25% 30%, तब हम लोगों को कुछ खुशी होती सुन के। बहरहाल उस बात को छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली दफ़ा एक इस तस्म के सर्जिकल स्ट्राइक हुए, आज पहली दफ़ा प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस बना रहे हैं। अब बात तो हमने सुन ली, अब इसको ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी बात कही देश की सिक्योरिटी के लिए, अब उसको वो एक्शन में किस तरह से बदलते हैं, और इसको बदलने में समय लगेगा, ये मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट बदल जाएगी, लेकिन इसके एक एक स्टेप तो दिखे। अभी जैसे संबित जी ने कहा कि रफेल जहाज आया है, अभी देखिए राइफलें आनी है, नाइट विजन इक्विपमेंट आना है, एमिनेशन आना है, बुलेट प्रूफ वेस्ट आनी है, बुलेट प्रूफ हेलमेट आने हैं, ट्रेनिंग करनी है, बहुत चीज़ें करनी है इसमें। इसमें जब तक कि सरकार का योगदान नहीं होगा तब तक देश आतंकवाद से नहीं लड़ पाएगा। ये रोज़ की छुटपुट कार्रवाइयाँ तो होती रहेंगी जो फौज कर सकती है और करती रहेगी, लेकिन हमें अगर प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो इसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी, जो मुझे लगता है शायद बन रही है। तो हमें थोड़ी शांति भी रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये नज़र आना चाहिए, हमारे दुश्मन को भी ये नज़र आना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो हमें नज़र आ रहा है, हो रहा है, उसी से दहशत फैल जाएगी, उसी से पाकिस्तान घबरा जाएगा कि जी मोदी जी ने एक तो डिमोनेटाइज कर दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये तो वाकई में फौज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, देखने तो दीजिए कुछ कुछ, एक जहाज उतरवाइए दिल्ली में एमिनेशन के साथ, एक शिप उतरवाइए कोई नाइट विजन के साथ, एक को बुलेट प्रूफ की अखबार में छपवाइए ना, चाहे आप कितना भी सीक्रेट रखें अखबार वाले रेडियो वाले तो छाप देंगे इसको, तो जो प्रोग्रेस होती है वो नज़र आना शुरू हो जाए। रफेल एक नज़र अवश्य आया है, और चीज़ें अगर हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद कोई ऐसी खबर आती है अखबारों में या टीवी चैनल्स में तो हमें सबको लगेगा जी उन्होंने जो कहा उस पर हरकत हो रही है। ठीक, संबित पात्रा, हालांकि समय खत्म हो गया, 30 सेकंड है केवल, आप जवाब देना चाहें तो, गौरव भाटिया ने जो सवाल उठाए। मैं सिर्फ जी गौरव भाटिया जी को मैं आदरपूर्वक सिर्फ ये याद दिलाना चाहूँगा कि अब से ठीक 1-1.5 घंटे पहले राज्यसभा के ठीक स्थगित होने से पहले नरेश अग्रवाल जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि जितना भत्ता मिलता है हम उतना ही काम करते हैं, 2000 तो भत्ता मिलता है, आपको आश्चर्य होगा कि इसको एक्सपंज करना पड़ा, और यहाँ गौरव जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भत्ता के लिए जाके वहाँ पे सांसद भत्ता के लिए काम करते हैं, और ये इस पे बहुत हैवी ऑब्जेक्शन हुआ, मैं जवाब और देना चेयर को एक्सपंज करना पड़ा कि आप भत्ते के लिए, चेयर ने कहा एक्सपंज हो गया तो आप क्यों उठा रहे हैं सर इसे, काम नहीं करते हैं आप, जब एक्सपंज हो गया तो यहाँ ना उठाइए उसे, एक्सपंज हो गया पात्रा जी, जब एक्सपंज हो गया तो यहाँ बहस करने का भी कोई फायदा नहीं, सदन ने कार्रवाई से निकाल दिया, सदन ने कार्रवाई से निकाल दिया, एक सरकार के लिए सारी सरकारों की पोल खुल रही है। गौरव भाटिया,
आप कह रहे हैं सुझाव नहीं मानते, आपने बड़े सुझाव माने, चार दिन पहले से हम आपसे कह रहे थे कि टोल अटवा दीजिए, आपने कितना टोल अटवा दिया, आज भी लाइनें लग रही हैं सर। दूसरी बात, आपने जितने सुझाव दिए, हर रोज डीमोनेटाइजेशन में हर रोज नए क्लॉज ऐड हो रहे हैं सर, सुनिश्चित किया, हर रोज नए क्लॉज ऐड हो रहे हैं, हर रोज लोगों की सहूलियत के लिए नया तरीका निकाला जा रहा है, हर रोज नया काउंटर खुल जा रहा है कहीं ना कहीं कि आज यहाँ से पैसे ले सकते हैं, आज यहाँ से पैसे ले सकते हैं। हमारा सवाल वापस वही है जहाँ से हमने शुरू किया था कि संसद का काम क्या केवल हल्ला हंगामा करके सांसदों के घर चले जाना है, या फिर देश के हित के मुद्दे पर कभी खड़े होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी करना है, जिसका मौका आज हमारे देश की संसद ने गवा दिया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये देश की जनता खुद तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तालठोके का हिस्सा बनने के लिए।